हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फोर क्लास 8, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9th ऑफ दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे का अंश जो है इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अब तक हमने निषेचन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा और हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने बाह्य निषेचन पढ़ा, हमने आंतरिक निषेचन पढ़ा। ठीक है, बाह्य निषेचन हमने किस में पढ़ा था, किस में होता है, जलीय जीवों में होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है उनके संलयन से क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने निषेचन पढ़ा था और हमने पढ़ा कि जो मादा युग्मक है और नर युग्मक, नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, इनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूण का विकास। तो भ्रूण क्या है, जब बेटा जो युग्मनज है इसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, युग्मनज क्या है, ये मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से बना। फिर कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास क्या है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। तो जो कोशिकाएं हैं उनका लगातार विभाजन होता रहता है जिससे वो भ्रूण बनता है। सेकंड पॉइंट क्या है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, जो युग्मनज है वो क्या होगा, मैंने भी बताया, बार बार कोशिकाएं जो है वो विभाजित होता रहता है और फिर भ्रूण में विकसित हो जाता है। थर्ड दिया गया है, कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। जो कोशिकाएं हैं विभाजित होकर शरीर के विभिन्न ऊतक और अंग बनाती हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है और फिर ऊतकों से अंग बनते चले जाते हैं। अलग अलग अंग होते हैं शरीर के, हाथ पैर, तो ये सब बच्चे के बनते चले जाते हैं। और ये जो विकासशील संरचना है यानी लगातार जो विकास हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भ्रूण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्र में दिखाया गया है ये निषेचन है, ये युग्मनज बन गया और फिर क्या बन गया, ये भ्रूण जो है वो विकसित होता हुआ भ्रूण दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो हमने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने मादा जनन तंत्र में पढ़ा था कि किस तरह गर्भाशय में भ्रूण जो है वो रोपित होता है, ठीक है, और फिर विकसित होता रहता है। सो जो गर्भाशय है वहां पर उसकी दीवारें, जब निषेचन होने के बाद दीवारें, जो भ्रूण की जो गर्भाशय है उसकी दीवारें जो है वो मोटी मोटी हो जाती हैं और वहां पर भ्रूण जो है उसका विकास होता रहता है, वहां पर भ्रूण रोपित हो जाता है गर्भाशय की दीवार में। फिफ्थ पॉइंट है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता रहता है, यह धीरे धीरे शरीर के अंग जैसे हाथ पैर सिर आंख कान आदि में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है क्या कहलाएगा बच्चों, गर्भ कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी अंग आप जो है यहाँ पर पहचान सकते हैं। तो जब सारे अंग बच्चे के डेवलप हो जाते हैं, विकास हो जाता है, सारे अंग दिखाई देने लगते हैं, तो तब उस अवस्था में वो भ्रूण जो है वो क्या बन गया, अब वो एक गर्भ बन गया। तो बेटा आपको क्लियर हो गई बातें, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मादा युग्मक और नर युग्मक मिले, उनके संलयन से क्या बन गया, युग्मनज बन गया। युग्मनज की कोशिकाएं जो है वो लगातार विभाजित होती रही, उससे बन गया भ्रूण। भ्रूण फिर क्या हुआ, भ्रूण जो है विकसित हुआ और उससे क्या बने, उसके विभिन्न ऊतक और अंग बनने शुरू हो गए। ठीक है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, धीरे धीरे अंग जैसे हाथ सिर पैर आंख नाक आदि विकसित हो जाते हैं और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान होती है वो गर्भ कहलाता है। ठीक है बेटा, और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है यानी लगभग 9 मंथ पूरे हो जाते हैं तो क्या होता है, शिशु का जन्म होता है, नया जो शिशु है उसका जन्म होता है। इस तरह जो है जीवन चलता रहता है।
अब आपको बच्चों यहाँ पर बहुत ही आसान से चार जो है वो प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखें। तो युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर आपको लिखने हैं। देखिए, युग्मनज क्या है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो बाद में विकसित होकर भ्रूण बनता है। जबकि गर्भ के बारे में क्या लिखेंगे कि जो गर्भ है, भ्रूण की व्यवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वह क्या कहलाता है बच्चों? वह गर्भ कहलाता है। ठीक है, जिसमें शरीर के सभी अंग बच्चे के पहचाने जा सकते हों। और सेकंड है, इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती है, जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। तो ये दो अंतर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दो है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा का कौन सा जनन अंग है? गर्भाशय। तो बच्चों आंसर लिखेंगे, गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीन है, परिभाषित करें, यानी आपको परिभाषा देनी है। ए दिया गया है भ्रूण और बी दिया गया है गर्भ। ठीक है, तो ए देखिए, भ्रूण। भ्रूण क्या है? जब युग्मनज हमने पढ़ा था, युग्मनज बनता है मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और जब युग्मनज बार बार विभाजित होकर गोले में बदल जाता है, क्लियर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे भ्रूण कहा जाता है। तो यह बार बार विभाजित होकर एक जो है मांस के गोले में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम भ्रूण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गर्भ। अब गर्भ किसे कहते हैं? भ्रूण की वह व्यवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वह गर्भ कहलाता है। यानी जब बच्चे के शरीर के सारे अंगों की पहचान की जाने लगे, युग्मनज का विकास इतना हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको गर्भ कहते हैं। प्रश्न चार है, सही और गलत लिखें। तो देखिए, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है। तो बच्चों, जो कोशिका मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, वो युग्मनज होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि एक जो है नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक होता है अंडाणु, दोनों मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नए जीवन का प्रारंभ है वो युग्मक, यानी केवल मादा युग्मक और नर, केवल नर युग्मक जो है वो नए जीवन का प्रारंभ नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड देखिए कि निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद जो अंडाणु है, जो कि एकल कोशिका है, वो जो है क्या बन जाता है? वो युग्मनज बनकर एक कोशिका में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है, क्लियर। तो बिल्कुल सही है, निषेचन के पश्चात क्या होता है? एक युग्मनज जो है वो बनता है, तो सही हो जाएगा। नंबर फोर है, एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है। तो भ्रूण जो है वो एक एकल कोशिका से नहीं बना होता, उसके अंदर, भ्रूण के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। युग्मनज बार बार जो है क्या होता है? विभाजित होता है, और इस तरह से जो भ्रूण है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका गलत होगा, दूसरा सही रहेगा, तीसरा भी सही है, और फोर्थ वन भी आपका गलत रहेगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।